तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, टू डिस्क हैविंग मासेस इन द रेशियो 1:2 एंड रेड आई इन द रेशियो 1:8 रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, विदाउट स्लिपिंग का अर्थ क्या हो गया दोस्त, बताओ मुझे। विदाउट स्लिपिंग प्योर लिटरली क्या हुआ? इमोशन, प्योर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर इमोशन। रोलिंग मोशन। विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद वन बाय वन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट एच द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि क्या है डिस्क। डिस्क का क्या होता है बीटा, सबसे पहले बीटा बताइए। डिस्क का 2/3 2/3। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे, जब लीनियर वेलोसिटी से वो नीचे पहुंचता है तुम बोलोगे 2g n इंटू b। क्या बीटा मास वास किसी इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा था कि सर ये रिंग होगा तो उसका तो वो जी बीटा होगा, उसका वो डिस्क होगा तो वो बीटा होगा? नहीं, ऐसा इन किसी भी चीजों के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता था। याद आ रहा है दोस्तों, बोलोगे हाँ सर याद आ रहा यस है। तो दोनों का ही वेलोसिटी सेम होने वाला है, 1:1 खत्म। कितने लोगों को समझ आया भाई, बीटा मास रेस रेडियस इस सब पे डिपेंड ही नहीं करता, और हाइट तो सबका सेम है, ग्रेविटी सबका सेम है, 2 तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों का बराबर 1:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आओ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक नहीं है, अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मास एंड रेडियस आर अज्यूम्ड टू बी सेम, नहीं भी सेम करता तो भी ठीक है, हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टोटल इन रोटेशनल फॉर्म। ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि रोटेशनल एनर्जी बताइए, रोटेशनल सॉरी काइनेटिक एनर्जी बताइए ड्यू टू रोटेशन, यही बोल रहा है ना, के ई ड्यू टू रोटेशन, करेक्ट हाँ ममता? यू आर नॉट सेइंग, है ना? तो ठीक है, हम बताएंगे। हाँ फ्रैक्शन हमें याद है क्या रुनाली, क्या हमें फ्रैक्शन याद है कौन रोटेशन का? सा? नहीं। रिंग, हाँ सर, ये रिंग ले लो, रिंग के बाद क्या ले लेते थे, हॉलो स्फीयर। डिस्क हॉलो सॉरी सॉलिड स्फीयर, ठीक कॉलेज है। रिंग का रोटेशनल का वो क्या था, रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन कितना आ रहा था, 5, 0.5, जीरो पॉइंट फाइव आ रहा था, तो इसका कितना हो जाएगा रिंग का 50%। हॉलो स्फीयर का परसेंट कितना आया था, 40%, 40% 40%। 34% डिस्क का इसका था, कितना आया था, 33%। 34 चलो 33, 34 कितना दिया, और इसका कितना था, 29। तो 29। हाँ क्या बोला है भाई, बोल क्या रहा है ये बताओ, हमसे पूछ रहा है टोटल किसका, किसका? विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम टू बी इतना है मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका हो गया, रिंग का मैक्सिमम, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं था। ये सब सवाल सॉल्व करने में नानी याद आ जाता है। चलो अब क्या बोला है, बोला है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यानी क्या हो गया, डिस्क भाई, सॉलिड सिलेंडर यानी डिस्क हो गया, तो बीटा हम पहले लिख देते हैं ऑप्शन में, कितना होगा बीटा, 2/3, ठीक। बीटा का वैल्यू लेकर बैठो मृणा ममता, बीटा का वैल्यू बगल में लेके बैठो, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं। ओके, बीटा का वैल्यू हमें पता चल गया, ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हाइट इतना, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द एंगल। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता, ओमेगा इक्वल्स टू होता वी बाई आर, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता, वी बाई आर, ठीक है, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। अरे हाँ या ना, वेलोसिटी पता कर सकती हो रोनाली, वेलोसिटी पता कर सकती हो, तुम बोलोगे हाँ सर पता कर लेंगे, कितना होगा वेलोसिटी बताओ जब नीचे पे आ जाएगा, तुम बोलोगे सिंपल है 2gh इनटू बीटा, कितना हो जाएगा 2gh इनटू बीटा, तो टू जी का वैल्यू, वैल्यू हाँ जी का वैल्यू जी ही रहने देते हैं, एच का वैल्यू एच ही रहने देते हैं, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फोर ये हो जाएगा दोस्त, तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, अंडर रूट GH/3 लिख देते हैं, ठीक है, अंडर रूट जी, ये हमारा वेलोसिटी आया, ये क्या आया वेलोसिटी,
अब ओमेगा पता करना है, देखो ना क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट जी, सॉरी टू अंडर रूट जी एच बाई थ्री है ना, जी एच बाई थ्री अपॉन आर, तो कौन सा हो जाएगा, ये लगा ठीक है, टू बाई आर, देखो ना टू बाई आर इंटू जी एच बाई थ्री हो गया ना, हो गया। हाँ। आओ दोस्त आगे सॉल्व करें, आओ आगे क्या है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड एम रोल्स स्लिपिंग, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, विदाउट होगा ठीक है, इसमें साइन लगा लो, विदाउट रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लेन इज म्यू, फॉर व्हाट मैक्सिमम इंक्लिनेशन थीटा विल द सिलेंडर, फॉर व्हाट मैक्सिमम इंक्लिनेशन थीटा विल द सिलेंडर रोल विदाउट स्लिपिंग, यानी बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू कौन सा होगा जब ये प्योर रोलिंग मोशन करेगा, सिलेंडर का मतलब मैंने बोला था कुछ ना दिया हो तो क्या मानोगे, सॉलिड, क्या मानोगे, तो सॉलिड सिलेंडर यानी डिस्क, तो बीटा का वैल्यू बताइए, टू बाई थ्री, ओके बीटा अपने पास आ गया 2/3, कूल, अब मुझे ये बताओ अगर हम चाहते हैं कि रोलिंग मोशन हो तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सॉरी म्यू का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था कुछ, म्यू क्या होना चाहिए, म्यू इंटू टेन थीटा इंटू बीटा, क्या था फॉर्मूला, वन माइनस बीटा, क्या था, वन माइनस बीटा, दैट्स राइट, म्यू इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, म्यू इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तुम बोलोगे हाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्या टेन थीटा इंटू वन माइनस बीटा, वन माइनस बीटा ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, मतलब हाँ ग्रेटर देन कितना, टेन थीटा, वन माइनस बीटा का वैल्यू कितना होगा, टू बाई थ्री को अगर वन से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री माइनस टू बाई थ्री कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री हो जाएगा ना, मैं सीधा लिख लू क्या, चलो कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो म्यू टेन थीटा बाई थ्री सीधा लिख देते, सॉरी थीटा भैया, टेन थीटा बाई थ्री, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा टेन इनवर्स, अच्छा थीटा पूछ रहा ना, ओक्स एक सेकंड, थीटा पूछ रहा ना, थीटा पूछ रहा ना, यस, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, एक मिनट, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थ्री म्यू टैन इनवर्स, थीटा पूछ रहा, थीटा पूछा भैया, थीटा, थीटा पूछा, तो थ्री म्यू टैन इनवर्स कहाँ है, थ्री म्यू टैन इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत, थीटा कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, कम या फिर बराबर, कम या फिर बराबर होना चाहिए थ्री न्यू टैन इनवर्स के, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है क्या मृणाली जी, सर मुझे नहीं समझा, समझ में आएगा भी नहीं ना, कहां से आएगा ममता, ये फॉर्मूला मैंने बताया था तब काम में आता है जब प्योर रोलिंग मोशन होना है, अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो फ्रिक्शन का वैल्यू टेन थीटा इंटू वन माइनस बीटा के बराबर या तो इससे ज्यादा होना चाहिए, और हमसे पूछा है थीटा, तो यहाँ से हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया, बीटा का वैल्यू हमको पता चल गया टू बाई थ्री, तो हमने यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लिया, सिंपल, और कैलकुलेशन तो आता है वो भी, मतलब करके बताए वो तो आता है ना, वो आता है बस, क्या तुम भी मतलब है, आओ दोस्त इसको सॉल्व करो, अ रिंग फर्स्ट स्लिप्स डाउन, ठीक है ये पहले स्लिप करता है रिंग, तुम बोलोगे ठीक है करने दो स्लिप, ऑन डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप करता है, देन रोल्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ आइडेंटिकल ज्योमेट्री फॉर सेम हाइट, रेशियो ऑफ टाइम टेकन, टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन का फॉर्मूला, रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन द टू मोशन, जल्दी बताइए, अंडर रूट टू एस बाई जी साइन थीटा बीटा, टू एस बाई मतलब अंडर रूट टू एस बाई ए होता है ना, तो ए की वैल्यू जी साइन थीटा बीटा वो पुट करेंगे, जी साइन थीटा इनटू बीटा है ना, ऐसा कुछ,
चलो हाँ बहुत अच्छी बात। तो मैं देखो क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक को मान लेता हूँ टी वन, टी वन अपॉन टी टू का रेशियो पूछा है ना, और दूसरे को मान लेता हूँ टी टू। तुम बोलोगे ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा अंडर रूट टू एस जी साइन थीटा, क्योंकि पहले में फ्रिक्शन नहीं है देख लो, और टी वन में, और टी टू में फ्रिक्शन है तो यहाँ बीटा भी आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो दोस्तों, जहां जहां फ्रिक्शन था वहां वहां बीटा आया था, याद है? तुम बोलोगे हाँ याद तो है, सॉरी टू क्यों लिख रहे हैं, टू नहीं होगा, सीधा जी साइन थीटा इंटू थीटा, जी साइन थीटा इंटू बीटा बीटा। तो ये सब कट जाएगा एक्सेप्ट अंडर रूट बीटा, एक्सेप्ट अंडर रूट बीटा। तो टी वन अपॉन टी टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट बीटा, और बीटा क्या है, रिंग है, तो रिंग का बीटा क्या होता है, 1/2, तो अंडर रूट 1/2, यानी तो आएगा वन अपॉन रूट टू। वन ठीक बाय है, कोई दिक्कत योगेश सर? आई होप देर इज नो नहीं डिले। सर। आइए आइए आइए, कुछ नया सीखते हैं। क्या करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, करें कोशिश करें। ये नीट में नहीं आएगा, ये नीट में नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है? बोलोगे जी सर जी सर, ठीक है। तो एक फोटो बनाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुम लोग कभी कोशिश भी नहीं करते हो तुम लोग समझने का। अच्छा समझने की कोशिश नहीं, समझ ही जाते हैं। ये कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा दी तुम? हाँ मतलब दो चार बार आपको बताना पड़ता है लेकिन ये समझ तो देखो ठीक जाते हैं। है, ये एक गोला है जो धरती पे रखा हुआ है। बोलोगे ठीक है, धरती पे रखा है, यहाँ फ्रिक्शन है कुछ काम कर रहा है, जी म्यू, म्यू नाम का फ्रिक्शन काम कर रहा है। बोलोगे ठीक है, और इस बॉडी के पास क्या क्या चीज है बताते हैं। मास है इसका एम, तुम बोलोगे पता ही था, रेडियस है आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, आई। तुम बोले ठीक, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पॉइंट पे ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया एफ। देखो किस पॉइंट पे लगाया है, उस पॉइंट पे, यानी कुछ ऊपर दूरी लेके चले गए। मान लो इस दूरी को मैंने एच बोल दिया, कुछ हाइट पे ले जाके इसको फोर्स लगा दिया। तुम बोलोगे ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे तो तुम बोलोगे सर दो तरह का मोशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, कौन कौन सा, एक तो ये रोटेट भी करना स्टार्ट करेगा कुछ, इसका एक्सेलरेशन इसको मिलेगा कुछ ना कुछ, मास है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा ना, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, तो मैं इसको अल्फा बोलूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तुम बोलोगे हाँ, और कुछ इसको इसके इसको इसको ट्रांसलेशन वाला एक्सेलरेशन मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा ए। अरे मिलेगा ना दोस्तों, तुम लोग तो ऐसे देखते हो सर सुनते रहते हो कि कोई कथा चल रहा है और वानर की सेना कथा सुन रही है। हाँ ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है नहीं ओके। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे ही फोर्स हमने लगाया ना मृणाली, तो यहाँ पे कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी जनरेट हो गया और कुछ अल्फा मतलब कुछ नॉर्मल एक्सेलरेशन भी जनरेट हो गया। तो जवाब सॉरी सवाल है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे, ये बताइए आप, ये आपसे पूछा जा रहा है। कब, जब किसी बॉडी को हम हॉरिजेंटल प्लेन में खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना, तब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाता है। उस प्योर रोलिंग मोशन में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो तो सेम होगा ना, तो वो क्या होने वाला है। तुम बोलोगे ये तो काफी गर्दा सवाल है, तो आओ इसको गर्दा तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो पहले मुझे बताना था, अगर ये प्योर, देखो ना टॉपिक में क्या लिखा, प्योर रोलिंग मोशन, और हमारे सिलेबस में भी है प्योर रोलिंग मोशन। तो सामने जो यहाँ पे इस पॉइंट का जो सामने एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का जो सामने एक्सेलरेशन होगा, ऐसे जो भी एक्सेलरेशन है, मान लो ए है, ट्रांसलेशन की वजह से मान लो ए है एसीएम के बराबर, ठीक है, क्या सेम पीछे भी होगा, एकदम सोच के बताना, आर अल्फा होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ या हाँ ना, बिल्कुल, जैसे वेलोसिटी आगे वी था तो पीछे क्या होता था, आर आर ओमेगा। तुम बोलोगे हाँ, तो वैसे ही आगे एक्सेलरेशन अगर ए है तो पीछे भी क्या होगा, आर अल्फा, है ना, यही होगा ना, क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन चल रहा है, तो आगे जितना एक्सेलरेशन होगा पीछे भी पार्टिकल का उतना ही एक्सेलरेशन होगा उस पॉइंट के लिए। सोच के बताइए, कई बार मैंने बताया है, उस पॉइंट के लिए दोनों बराबर,
तभी तो वो पार्टिकल रेस्ट पे नजर आएगा लास्ट वाला, कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ ना कुछ बोलोगे, ये तभी रेस्ट पे नजर आ रहा। हम बोले ठीक बहुत अच्छी बात, तो आओ कुछ इक्वेशन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन बनाते हैं। पहले ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन बनाते हैं फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। ये ब्लैक स्क्रीन पे अच्छा दिखता है ना, आंखों पे ज्यादा असर नहीं पड़ता होगा, है ना। क्या ये हम चीज जानते हैं मृणाली ममता, कि नेट फोर्स बराबर होता है पूरे बॉडी का मास इनटू उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तुम बोलोगे हाँ। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तुम बोलोगे सर नेट फोर्स दो काम कर रहा है ना। नेट फोर्स कितना काम कर रहा, दो। जरा कॉमन सेंस लगाओ तो और मुझे बताओ, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं ठीक है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट, सोच के बताओ। फोर्स के अपोजिट या फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट। वाह अद्भुत अद्भुत, वाह वाह भाई वाह। तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में ही लगेगा फ्रिक्शन। मैंने कई बार तुम्हें बताया है कि जब भी रोलिंग मोशन होगा ऑलवेज फ्रिक्शन अपोजिट आगे ही लगेगा। अब चलो मान लेते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गया। सुनो मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये आगे लगेगा या पीछे लगेगा, अभी हमें नहीं पता ठीक है। प्योर रोलिंग मोशन में भी दो केस होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ आगे लगेगा या पीछे लगेगा, अभी हमें नहीं पता, बताते हैं क्यों। सुनो अगर मान लो, ये फोर्स की वजह से दो काम हो सकता है, इस फोर्स की वजह से अगर ट्रांसलेशनल मोशन, ध्यान से सुनना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा हो गया तो तुम बोलोगे अगर ये आगे ज्यादा आने लगा तो फ्रिक्शन पीछे ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ या ना, फ्रिक्शन पीछे ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझ में आया। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है ना मोशन को। हाँ रिस्पॉन्ड करोगे क्लास में, मैं बोल रहा हूं जब तुम फोर्स लगाओगे तो दो काम हो सकता है, या तो ट्रांसलेशनल का वैल्यू ज्यादा हो सकता है या तो रोटेशनल का वैल्यू ज्यादा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। अगर रोटेशनल का वैल्यू ज्यादा हो गया तो इसका अल्फा यानी अल्फा बढ़ जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। रोटेशन तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे पीछे की तरफ जाता है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा भाई। रोटेशन की वजह से अल्फा यहाँ पे पीछे की तरफ रहेगा ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, यहाँ पे ये पीछे जाता है ना ऐसे ऐसे, तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे तो पीछे जाता है, तो ये पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, तुम बोलोगे हाँ। और ट्रांसलेशन में ये फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा, तुम बोलोगे हाँ एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि कौन सा चीज ज्यादा है हमें नहीं पता ना अभी, तो हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन अभी नहीं मालूम, हमें फ्रिक्शन का बात पता ही नहीं है। समझ आया, अभी हमें फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता कि कौन सा ट्रांसलेशन ज्यादा है रोटेशनल ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं है। तुम बोलोगे ठीक है बहुत अच्छी बात ठीक है। तो अब देखो हम क्या करने वाले, हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन आगे लगा, मान लेते हैं, हम मानते हैं रोटेशनल मोशन इसने ज्यादा करवा दिया। तुम बोलोगे ठीक है मान लीजिए, तो हमने मान लिया कि रोटेशनल मोशन इन्होंने क्या करवाया, ज्यादा करवा दिया, और हम मानते हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पे आगे की तरफ लगा। तुम बोलोगे ठीक, तो इक्वेशन क्या बनने वाला है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक तो फोर्स भी लग रहा है नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है आगे की तरफ मान लिए, ये दोनों नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना बताओ, हाँ या ना ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है मृणाली, क्या नेट फोर्स यही है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रांसलेशनल के लिए, एकदम सोच के बताते जाना फील दिलवा देंगे, सही है ना। अब आओ रोटेशन का बात करते हैं, अब किसका बात करते हैं, रोटेशनल मोशन। योगेश दादा चाहेगा तो टहल के आ जाएगा, चाय पकौड़े खा के आ जाएगा तब तक। रोटेशनल मोशन ठीक है, तो रोटेशनल मोशन यहाँ पे रोटेशन किसके अलोंग हो रहा है भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तुम बोलोगे सेंटर के अलोंग ही तो रोटेट करेगा ना भाई, चक्का गोल गोल घूमता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका सेंटर ही होता है, तो हम बोलेंगे हाँ सेंटर तो है, तो सेंटर के अलोंग हम टॉर्क निकालना चाहते हैं, है ना, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है, टॉर्क ही होता है रोटेशन का। तुम बोलोगे हाँ, तो नेट फोर्स बराबर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क बराबर हो जाएगा आई अल्फा। बताइए मृणाली,
होगा हाँ बिल्कुल। और टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ भी तो होता है ना एक फॉर्मूला, तुम बोलोगे हाँ होता है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताना, मान लो फ्रिक्शन आगे की तरफ काम करता है, ध्यान से सुनते जाना, मान लीजिए ये फ्रिक्शन आगे की तरफ है, मान लेते हैं येल्लो वाला, तो ये फ्रिक्शन और ये डिस्टेंस आर क्रॉस एफ नहीं हो गया, देखो तो आर क्रॉस एफ नहीं हो गया, तुम बोलोगे अरे हाँ ये तो हो गया। तो मैं यहाँ पे टॉर्क बराबर आर और एफ आर ऐसे लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं ना, ठीक है। दूसरा बात, दूसरी बात, ये फोर्स देखो, ये फोर्स एफ और यहाँ पे परपेंडिकुलर है डिस्टेंस एच, तो इसकी वजह से भी टॉर्क जनरेट होगा, हाँ या ना बोलो। तो एक तो एच और एफ की वजह से भी टॉर्क जनरेट हो रहा, और एक रेडियस आर, एक तो रेडियस आर और एफ आर की वजह से भी, दोनों की वजह से जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ। हो रहा है। टॉर्क का डायरेक्शन दोनों केस में बताओ, राइट हैंड थंब रूल है ना। क्या करो, पहले हम टॉर्क कैसे लिखते थे, टॉर्क हम लिखते आर क्रॉस एफ, सॉरी आर क्रॉस एफ, यानी पहले अपना चारों उंगली का डायरेक्शन आर की तरफ दो, फिर उनको मोड़ दो फोर्स की तरफ, है ना, यही करते थे ना। तो पहले चारों को आर की तरफ ले जाओ, फिर फोर्स की तरफ उंगली को मोड़ दो, अंगूठा जिधर होगा वो डायरेक्शन होगा। तो मुझे बताओ इस केस में टॉर्क किधर है, इस केस में टॉर्क किधर है, जल्दी बताओ। आर क्रॉस एफ आर में किधर है, नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपका टॉर्क क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो ऑन करके बताया था। अब मुझे देखो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने कई बार बताया था, वो पता है। अरे टॉर्क के लिए मैंने नहीं बताया था राइट हैंड करके, राइट हैंड करके कि भैया राइट हैंड को रेडियस वेक्टर की तरफ डालो, फिर फोर्स की तरफ मोड़ दो, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही होगा टॉर्क का डायरेक्शन, कई बार बताया है, फिर भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। यहाँ पे हमने चार उंगली नीचे की तरफ डाला और इधर मोड़ दिया, ठीक है, इसको ऐसे किया, तो मुझे पता चला कि इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि इसमें देखो, इसमें ऐसे डालते हैं और इधर मोड़ देते हैं, ऐसे डालें और ऐसे मोड़, पहले आर की तरफ डालें, आर की तरफ, हाँ, और फिर एफ की तरफ मोड़ दिए, हाथ तुम अपना ऊपर की तरफ डालो और ये अंदर की तरफ मोड़ दो, तो अंगूठा तुम्हारा अंदर की तरफ आए, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये राइट हैंड करना दाएं हाथ से, तो ये वेक्टर सेंटर से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर इधर मोड़ो, तो ये आ जाएगा अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। तो एक अंदर की तरफ आ रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक। तो जो अंदर की तरफ आया है, जो बाहर की तरफ आया है, माइनस होगा एक दूसरे से, और क्या होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस होगा नेट टॉर्क के लिए। तो किसी को किसी से माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को प्लस ले सकते हो, किसी को माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात ही नहीं है। तो फोर्स इंटू एच माइनस आर, आर मतलब रेडियस, इंटू एफ आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा, बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलोगे नहीं। अगर प्योर रोलिंग मोशन है, अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है, मैं इधर लिखता हूं फॉर प्योर, फॉर प्योर रोलिंग मोशन ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा होगा ना, फॉर प्योर रोलिंग मोशन ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, हाँ या ना, बताइए कोई दिक्कत है क्या, तुम बोलोगे नहीं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ए बाई आर, तुम बोलोगे हाँ ऐसा हो सकता है। इस ए बाई आर को मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं ए बाई आर को यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो। तो एफ एफ एच माइनस आर एफ आर इज इक्वल्स टू आई इंटू ए बाई आर, बोलो कितने लोगों को समझ आया। हम क्या करते हैं, सबको आर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग आर, डिवाइडिंग बाई आर, अगर सबको आर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताना। तो ये हो जाएगा एफ एच बाई आर, एफ एच बाई आर एफ आर इक्वल्स टू आई इंटू ए फॉर आर स्क्वायर, हाँ ना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर में कंफ्यूज मत होना, सब वही है, कभी मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, कभी मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, आर आर ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन और इसको मान लो इक्वेशन नंबर
टू हाँ कुछ कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस इक्वेशन वन और टू को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आओ इक्वेशन वन क्या था, एफ प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम इन टू एफ, एफ प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम इन टू ए। दूसरा इक्वेशन एफ एच माइनस आर, एफ एच बाई आर सॉरी एफ एच बाई आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई इन टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसको एड दोस्त, हम इसको प्लस कर रहे हैं, प्लस प्लस। तो एफ एच ये एफ आर तो गायब हो गया, कट गया है ना, ये एफ प्लस क्या बचेगा, एफ प्लस एफ एच बाई आर विच विल बी इक्वल्स टू, मैं तुम लोगों के लिए अभी पूरा लिख देता हूँ, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। सही है कि नहीं है, एकदम बताओ गर्दा। अरे गर्दा है ना, यहां से एक्सेलरेशन को कॉमन लेके निकाल सकते हैं क्या? हाँ, ले लेते हैं एक्सेलरेशन को कॉमन, यहाँ से फोर्स को कॉमन लेके निकाल सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। तो देखो क्या लिखने वाले हैं, फोर्स अगर कॉमन लेके निकाल दिए तो इधर बचेगा वन प्लस एच बाई आर, एच बाई आर, और यहाँ एक्सेलरेशन कॉमन लेके निकाल दिए तो एम इंटू ए इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा, एम इंटू ले रहे हो सर? अच्छा एम, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ सर एक्सेलरेशन ही सिर्फ हम ले रहे हैं ना, एम को डाल देते हैं अंदर, रुको मैं क्या कर रहा हूँ, आई बाय आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर। अब सही है, हाथ मात्र हो गया, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से आ गया, तुम बोलोगे हाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन ऊपर में तो यही रहेगा एफ इंटू वन प्लस एच बाई आर इज इक्वल्स टू एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, आया ना, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब आई का वैल्यू डालना है तो डाल दो के स्क्वायर वाला, है ना, के स्क्वायर एम इन टू के स्क्वायर डाल दो तो फिर एम भी वहां से कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम में आई का वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ जल्दी से, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एफ बढ़ेगा एक्स, एफ इंटू वन प्लस एच बाई आर, क्या ले लिया एम कॉमन लेके निकाल दिया है ना, तो वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, नीट के बच्चों के लिए नहीं है जो IIT से, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है तब जब हॉरिजेंटल रोलिंग मोशन हो रहा है, गाड़ी जब चल रहा है, गाड़ी हमारा चलता है ना तो फोर्स लगता है, तो उस केस में बोलो याद रख लोगे। अब इसमें अलग अलग केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना नेक्स्ट वीडियो में।